हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें ट्रांसड्यूसर्स वगैरह अपन डिस्कस कर चुके थे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सिग्नल कंडीशनिंग। ओके, व्हाट इज सिग्नल कंडीशनिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिग्नल कंडीशनिंग। ओके, तो जो हमारी सबसे फर्स्ट क्लास थी मेजरमेंट, जब अपन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो भी टोटल हमारा मेजरिंग सिस्टम होता है उसमें कुछ ब्लॉक डायग्राम्स होते हैं। ओके, तो उसमें अपन ने जो हमारी फर्स्ट क्लास है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो पहले फर्स्ट क्लास देखें तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि सिग्नल कंडीशनिंग हमारा क्या होता है, कहाँ पे लगा होता है मतलब। ओके, तो हमने आपको बताया था कि कुछ हमारे ब्लॉक्स थे। तो सबसे पहला जो ब्लॉक था हमारा वो क्या था, हमारा इनपुट स्टेज था, ट्रांसड्यूसर स्टेज था। फिर हमारा जो बीच का पार्ट आ रहा था हमारा कन्वर्जन करना, उसको मैनिपुलेट करना। तो जो बीच का पार्ट होता है हमारा, मतलब इनपुट और आउटपुट की जो बीच का पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हमारा सिग्नल कंडीशनिंग स्टेज बोलते हैं। ओके, सिग्नल कंडीशनिंग, कंडीशनिंग मतलब क्या होता है, उसको क्या करना, कंडीशनर। जैसे अपन क्या करते हैं, अपने हेयर्स पे कंडीशनर लगाते हैं, अपने बालों पे कंडीशनर लगाते हैं ना, तो क्या वो जरूरी चीज है? नहीं, वो क्या है, सिर्फ वो क्या होता है, जो ऐसा अपन आउटपुट चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। अपन चाहते हैं कि हमारे बाल सिल्की हो या कुछ भी, इसलिए अपन उसमें कंडीशनर लगा लेते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही है कि जो इनपुट से अपन को मिला है, मतलब जो ट्रांसड्यूसर स्टेज से अपन को आउटपुट मिला है और जो हमारा आउटपुट सिस्टम लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, उसको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, ताकि जो हमारा आउटपुट सिस्टम है, ठीक है, एनालॉग है, डिजिटल है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपन उसको इजीली मेजर कर सके। ओके, तो जो हमारा इनपुट सिग्नल है, मतलब जो ट्रांसड्यूसर का, मतलब ट्रांसड्यूसर से जो आउटपुट मिला है उस सिग्नल को मॉडिफाई करना आउटपुट के अकॉर्डिंग, वो ही क्या होता है, हमारा सिग्नल कंडीशनिंग होता है। ओके, तो सबसे पहले सिग्नल कंडीशनिंग, तो अपन देखते हैं कि सिग्नल कंडीशनिंग क्या होता है। तो ये हमारा क्या होता है, बीच वाला जो ब्लॉक होता है हमारा, ये हमारे सपोज ये हमारे तीन ब्लॉक्स हैं, ये हमारा क्या ट्रांसड्यूसर स्टेज। ओके, ये हमारा क्या आउटपुट, ये ट्रांसड्यूसर है, ये आउटपुट है। ये जो बीच का होता है वो हमारा क्या होता है, सिग्नल कंडीशनिंग होता है। मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच का जो होता है हमारा, यहाँ से अपन इनपुट देंगे, हमारा इनपुट क्या होगा, ट्रांसड्यूसर में जाएगा, और जो ट्रांसड्यूसर का आउटपुट मिलेगा वो कहाँ जाएगा, सिग्नल कंडीशनिंग में जाएगा, और यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये हमारी कौन सी है, हमारी इनपुट स्टेज है हमारी, और ये हमारी क्या है, आउटपुट स्टेज है। तो जो ट्रांस सिग्नल कंडीशनिंग होता है वो कौन सी स्टेज होती है, इंटरमीडिएट स्टेज होती है। इनपुट और आउटपुट के बीच की जो स्टेज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग बोलते हैं। तो ये वाली जो स्टेज है वो क्या करती है, हमारी सिग्नल को कंडीशनिंग करती है, मतलब जो आउटपुट को चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, इसको चेंज कर देती है। ओके, तो जो ट्रांसड्यूसर स्टेज है, सपोज हमने क्या बोला, ट्रांसड्यूसर, अभी अपन बहुत सारे टाइप्स के ट्रांसड्यूसर पढ़ चुके हैं, ये हमारा वन बाय वन अपन को इस तरीके से पढ़ना है। इनपुट सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि किस किस टाइप के इनपुट हो सकते हैं, जो हमारे इनपुट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है हमारी। ओके, फिर अपन ट्रांसड्यूसर पढ़ चुके हैं, तो ट्रांसड्यूसर क्या, हमारा ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, हमारा वन फिजिकल क्वांटिटी को अनदर फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। यही होता है ना, वन फिजिकल क्वांटिटी टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। अपन इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसको मेजर करना बहुत ही इजीली होता है, आसान होता है, उसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं, अटेन्यूएट कर सकते हैं, इसलिए अपन इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज करते हैं। तो जो इनपुट सिग्नल है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको अगर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर कहलाएगा। तो यहां से अपन को जो आउटपुट मिला वो हमारा कुछ भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा। अब उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, सपोज यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है अपन को वो एनालॉग मिल रहा है, ठीक है, एनालॉग आउटपुट मिल रहा है जो ट्रांसड्यूसर आउटपुट से आया है, और यहाँ पे जो अपने पास सिस्टम है वो क्या है, हमारा डिजिटल है, ठीक है, मतलब जो मेजर करना है वो हमारे पास डिजिटल है, अपने पास एनालॉग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। तो क्या ये अब एनालॉग डिजिटल के थ्रू मेजर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो इसी एनालॉग आउटपुट को क्या करेंगे, डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, सिग्नल कंडीशनिंग का यूज कर रहे हैं। मतलब सिग्नल कंडीशनिंग क्या करेगा, इस एनालॉग को क्या करेगा, डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। जो एनालॉग इनपुट यहाँ से मिला है उसको क्या करेगा, डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, फिर अपन इसको क्या करेंगे, आउटपुट में दे देंगे। मतलब ये क्या करे, इजीली क्या कर सके, इसको क्या करे, मेजर कर ले आउटपुट। इसके लिए अपन ने क्या किया है, सिग्नल कंडीशनिंग का यूज किया है। ओके, तो सिग्नल कंडीशनिंग का मतलब मेन काम क्या है हमारा, सिग्नल कंडीशनिंग का, इट मॉडिफाई
द ट्रांसड्यूसर आउटपुट अकॉर्डिंग टू द आउटपुट स्टेज. ओके, जो ट्रांसड्यूसर का आउटपुट है उसको मॉडिफाइड कर देता है अकॉर्डिंग टू द ट्रांसड्यूसर आउटपुट स्टेज. जो हमारा आउटपुट स्टेज है इसको जो हमारा चाहिए है जिसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर देता है हमारा मॉडिफाई कर देता है. यही सिंपल सा क्या कहलाता हमारा सिग्नल कंडीशनिंग कहलाता है. ओके, तो ये हमारा क्या है फर्स्ट स्टेज, ये हमारा आउटर्ड स्टेज है और ये हमारी बीच की स्टेज होती है सिग्नल कंडीशनिंग. मतलब सिग्नल को मॉडिफाई करना आउटपुट के अकॉर्डिंग वह क्या कहलाएगा हमारा सिग्नल कंडीशनिंग कहलाता है. अब सिग्नल कंडीशनिंग क्या क्या करता है हमारा, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं सिग्नल कंडीशनिंग में. लीनियर प्रोसेस भी होते हैं और नॉन लीनियर प्रोसेस भी होते हैं. ठीक है, जैसे एम्पलीफाई करना हमारा, उसको मॉड्यूलेशन करना, डीमॉड्यूलेशन करना, एडिशन करना, सबट्रैक्शन करना. जो एक्टिव मतलब जो पैसिव ट्रांसड्यूसर्स हैं उनको ये सोर्स भी प्रोवाइड कराता है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर में एम्पलीफिकेशन करता है. ठीक है, तो इसके कुछ हमारे काम है या यूज होता है लीनियर और नॉन लीनियर प्रोसेस दोनों के लिए. ठीक है, लीनियर प्रोसेस भी होती है इससे और नॉन लीनियर प्रोसेस भी होती है. देख लेते हैं अपन कौन कौन सी लीनियर प्रोसेस है, कौन कौन सी नॉन लीनियर प्रोसेस होती है. ओके, तो अगर अपन लीनियर प्रोसेस की बात करें तो क्या क्या होगा इसमें, एम्पलीफिकेशन, डिफरेंशिएशन, एम्पलीफिकेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एम्पलीफिकेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. तो इस टाइप की ये सारी जो प्रोसेस है वो किसके अंदर आ जाएंगी, और भी होती है बहुत सारी, अपन ने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं. तो ये वाली जो सारी प्रोसेस है वो किसके अंदर आ जाएंगी, लीनियर प्रोसेसेस के अंदर. ओके, नॉन लीनियर प्रोसेसेस क्या क्या हो जाएंगी हमारी, जैसे कि मॉड्यूलेशन हो गया हमारा, डीमॉड्यूलेशन हो गया, क्लिपिंग हो गया, क्लैंपिंग हो गया. ये सारी जो प्रोसेस है ये हो जाएंगी हमारी नॉन लीनियर प्रोसेस. लेकिन सिग्नल कंडीशनिंग ये दोनों ही प्रोसेस करता है, लीनियर प्रोसेस भी एंड नॉन लीनियर प्रोसेस भी. ओके, जो हमारा सिग्नल कंडीशनिंग है वो लीनियर प्रोसेस भी परफॉर्म करता है एंड नॉन लीनियर प्रोसेस भी परफॉर्म करता है. ठीक है, कैसे, अगर हमारा कोई भी सिस्टम है उसमें हमारा क्या है एम्पलीफाई करना है, कोई भी जो अपन को ट्रांसड्यूसर स्टेज है इसमें जो भी हमारा इनपुट, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज है. ये जो सेकंड स्टेज है यही क्या है सिग्नल कंडीशनिंग है और ये आउटपुट स्टेज है. ठीक है, ये ट्रांसड्यूसर स्टेज है. तो यहाँ से जो अपन को सिग्नल आया है वो मान लीजिए सपोज बहुत ही कम वैल्यू है उसकी, 0.0001 एम्पियर है. ठीक है, तो ये बहुत ही कम वैल्यू है इस, और ये जो सिस्टम है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसका स्केल. ठीक है, इसका जो स्केल है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है. तो ये वाली वैल्यू अपन इजिली मेजर कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे. यहाँ जितना भी हमारा है वो है काउंटर नीचे शो होता रहेगा. अब वो 0.001 है, 0.01 है, वो अपन को पता नहीं चल पाएगा. तो इसको अपन क्या करेंगे, सिग्नल को एम्पलीफाई कर लेंगे उस लेवल तक ताकि अपन इसको क्या करें इजीली मेजर कर ले. जितना स्केल फैक्टर होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में अपन उसी फैक्टर से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे एक बार मेजर होने के बाद. ठीक है, तो एम्पलीफाई करता है, डिफरेंशिएशन होता है इसमें, इंटीग्रेशन होता है, एडिशन है, सिग्नल्स को जोड़ सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है हमारा. ठीक है, नॉन लीनियर प्रोसेसेस कौन कौन सी है, मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन, क्लिपिंग है, क्लैंपिंग है. तो ये सारे जैसे हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है ओप एम्प, वो भी हमारे क्या करता है ये सारे फंक्शंस करता है, मतलब इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, एडिशन है, जोड़ता है, सब्ट्रैक्शन है. तो ओप एम्प भी एक टाइप का क्या है हमारा सिग्नल कंडीशनिंग ही है, क्योंकि वो क्या कर रहा है हमारा सिग्नल को कंडीशन करता है, मतलब उसमें एम्पलीफायर हो रहा है. ओप एम्प मतलब क्या, ऑपरेशनल एम्पलीफायर. तो एम्पलीफाई तो कर ही रहा है सिग्नल को, साथ में उसमें ऑपरेशंस भी परफॉर्म करा देता है, ऐड कर देता है, जोड़ देता है. ठीक है, तो जो लीनियर सिग्नल कंडीशनिंग होता है वो हमारी ये सारे प्रोसेस क्या करते हैं परफॉर्म करता है. ओके, तो अब अपन देखते हैं सपोज कुछ हमारे एक दो देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा क्या करता है कन्वर्जन करता है. अब अगर अपन देखें कि टाइप्स जो होते हैं हमारे वो कौन कौन से हैं, अपन ने पहला लिया सपोज एम्पलीफिकेशन. ठीक है, तो
तो एम्पलीफिकेशन कैसे एम्पलीफिकेशन करता है हमारा, तो जो भी हमारे एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें अपन को क्या होता है अलग से एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स कौन कौन से, हमारे थर्मोकपल हो गया, थर्मोकपल हमारा एक्टिव ट्रांसड्यूसर था, तो उसमें क्या होता है अलग से एक्सटर्नल सोर्स की अपन को रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये क्या करेगा, सिग्नल जो है उसको क्या करता है एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है। तो अगर एम्पलीफिकेशन करता है तो एम्पलीफिकेशन कैसे करेगा, सपोज ये हमारा कोई भी सिग्नल है, ये सिग्नल हमारा इतना है, अपन ने इसको भेजा कहाँ पे, सिग्नल कंडीशनिंग पे, तो ये कैसे एम्पलीफाई करेगा, ये सिग्नल के मैग्नीट्यूड को जो है वो क्या करेगा बढ़ा देगा। सपोज ये 5 है तो इंक्रीज करके कितना कर देगा 10 कर देगा, तो ये एम्पलीफाई कर दे रहा है। तो इसका एम्पलीफिकेशन क्या हो गया हमारा, एक हो गया हमारा एग्जाम्पल, किसमें कर सकते हैं अपन, थर्मोकपल हो गया हमारा, ओके एम्पलीफिकेशन करता है। दूसरा क्या है, ये अटेन्युएशन करता है, ठीक है, अटेन्युएशन, अटेन्युएशन मतलब क्या है, जो सिग्नल है उसको क्या कर देना अटेन्युएट करना, मतलब कम कर देना। तो अभी हमारा सिग्नल ज्यादा था, बाद में ये कैसा होगा अपन को, कुछ हमारा मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा कम मिलने लगेगा, मतलब ये अटेन्युएट कर देगा। सपोज पहले 10 था, अब हमारा क्या हो गया 5 हो गया हमारा, ठीक है। तो ये इस टाइप से इसके क्या होते हैं हमारे फंक्शन होते हैं, जो हमारा सिग्नल कंडीशनिंग होता है उसके, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या, सपोज फिल्टरिंग, अपन बोल रहे हैं फिल्टरिंग एक फंक्शन होता है हमारा, फिल्टरिंग। तो फिल्टरिंग में क्या है, अपन जो इनपुट सिग्नल है, सपोज अपन ने जो इनपुट सिग्नल है वो हमारा कोई भी नॉइजी सिग्नल है, ठीक है, ये कैसा है हमारा नॉइजी सिग्नल है, इस सिग्नल में नॉइज ज्यादा है, तो अपन इसको फिल्टर कर रहे हैं, मतलब सिग्नल कंडीशनिंग से अपन इसको पास करेंगे, फिल्टरिंग करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा जो अपन आउटपुट मिलेगा अपन को वो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, मतलब प्योर फिल्टर तो नहीं हुआ बट कुछ नॉइज क्या हो गई कम हो गई, तो नॉइज क्या हो जाएगी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, फिर से अपन करेंगे तो और कम हो जाएगी, धीरे धीरे करके अपन को प्योर सिग्नल मिलेगा जिसकी नॉइज क्या है एकदम से क्या हो गई है खत्म हो गई है, ठीक है। ये एक्साइटेशन प्रोवाइड कराता है, जो हमारे नॉन मतलब सिग्नल है, जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, सब पैसिव ट्रांसड्यूसर है, सपोज जैसे कि स्ट्रेन गेज हो गया, ओके, आरटीडी हो गया, ये सारे कैसे है हमारे पैसिव ट्रांसड्यूसर है। पैसिव ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, पैसिव ट्रांसड्यूसर्स आर दोस ट्रांसड्यूसर्स हु नीड एक्सटर्नल पावर सोर्स फॉर देयर ऑपरेशन, ओके, ऐसे ट्रांसड्यूसर जिनको अलग से एक एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उनके ऑपरेशन के लिए, वो ट्रांसड्यूसर क्या कहलाते हैं, पैसिव ट्रांसड्यूसर्स कहलाते हैं। जैसे स्ट्रेन गेज हो गया, आरटीडी हो गया, तो सिग्नल कंडीशनिंग का क्या काम है, ये एक्साइटेशन भी प्रोवाइड कराता है, जो एक्सटर्नल पावर सोर्स चाहिए वो भी प्रोवाइड कराता है हमारा, क्या करता है जो ट्रांसड्यूसर्स है उनको, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सारे हमारे काम होगा हमारे सिग्नल कंडीशनिंग के, मतलब बहुत सारे काम होते हैं सिग्नल कंडीशनिंग के, कुछ अपन एग्जांपल्स देख लिए, एडिशन भी करता है, दो सिग्नल को जोड़ देता है, ठीक है, सबट्रैक्शन भी करता है हमारा, ओके। तो सिग्नल कंडीशनिंग सिंपल सा क्या है हमारा, सिग्नल कंडीशनिंग आर दोस जो कि क्या करेगा हमारा एम्पलीफिकेशन करेगा, इंटीग्रेशन करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा, बहुत सारे काम करता है हमारा सिग्नल कंडीशनिंग। एक बीच का स्टेज होता है, इंटरमीडिएट स्टेज होता है इनपुट और आउटपुट के बीच का, जो कि जो हमारा मेन सिग्नल है इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, अपन इलेक्ट्रिकल की ही बात कर रहे हैं पूरे इसमें, तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको क्या करेगा मॉडिफाई कर देता है, जो आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग, जैसा आउटपुट अपन को चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करेगा, ताकि अपन उसको इजिली क्या कर सके, मेजर कर सके, ओके। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं सिग्नल कंडीशनिंग के टाइप्स। तो जो सिग्नल कंडीशनिंग होता है आर ऑफ टू टाइप्स, डीसी सिग्नल कंडीशनिंग एंड एसी सिग्नल कंडीशनिंग। तो पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं डीसी सिग्नल कंडीशनिंग क्या होता है। तो डीसी सिग्नल कंडीशनिंग जो है इसमें क्या होता है हमारा, इसमें ये सारे हमारे क्या होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लॉक डायग्राम जो होता है डीसी सिग्नल कंडीशनिंग का वो ये होता है, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें, सबसे पहले ट्रांसड्यूसर है हमारा, तो ये वाला जो स्टेज है ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया, जो कि हमने बोला था आपसे इनपुट स्टेज है हमारा, ठीक है। ये वाला स्टेज है जो इनपुट स्टेज है, और ये जो है हमारा वो क्या है हमारा आउटपुट, जो आउटपुट है वो हमारा क्या है आउटपुट स्टेज है, थर्ड स्टेज है हमारा, ठीक है। तो ये जो पूरा स्टेज है यहाँ से लेके यहाँ तक लो पास फिल्टर तक, ये हमारा क्या है इंटरमीडिएट स्टेज है, बीच का स्टेज है, जिसको अपन क्या बोलते हैं सिग्नल कंडीशनिंग स्टेज। मतलब ये सारा जो काम हो रहा है बीच में इनपुट और आउटपुट, ट्रांसड्यूसर के आउटपुट और यहाँ के आउटपुट के बीच में, वो क्या है हमारा सिग्नल कंडीशनिंग है हमारा, ठीक है।
सिग्नल कंडीशनिंग, ये जो पूरा हो रहा है यहाँ से यहाँ तक वो क्या हमारा सिग्नल कंडीशनिंग हो रहा है। तो सिग्नल कंडीशनिंग के अंदर क्या क्या आएगा, ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो मेजरेंड है, मतलब जो भी अपन को मेजर करना है, वोल्टेज है, करंट है, फ्रिक्वेंसी है या डिस्प्लेसमेंट है, कुछ भी हो सकता है ये, एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि अपन को क्या करना है, मेजर करना है, वो अपन क्या करेंगे, हमारा मेजरेंड में देंगे। हो सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो भी अपन मेजर करना चाहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, वो अपन क्या करेंगे, ट्रांसड्यूसर के इनपुट में देंगे। ओके, अब ये जो ट्रांसड्यूसर है वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अपन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की ही बात कर रहे हैं, इसलिए हमने बोल दिया डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल में। बाकी ट्रांसड्यूसर भी दो टाइप से होते हैं, जो फिजिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, जो इलेक्ट्रिकल को नॉन फिजिकल में हो जाए वो इन्वर्स ट्रांसड्यूसर। तो कोई भी अपन यूज करेंगे जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, कन्वर्ट तो कर दिया, अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके इनपुट के पे डिपेंड करेगा। अब अपना जो आउटपुट है, मतलब जहाँ जो अपन आउटपुट यूज कर रहे हैं, जो हमारा आउटपुट मेजरिंग डिवाइस है यहाँ पे, वो कैसी है, उसका जो हमारा रेंज है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, सिग्नल को मॉडिफाई करना है, ताकि यहाँ पे जो ये आउटपुट मिले, जो भी यहाँ पे आउटपुट मिले, वो जो आउटपुट स्टेज है वो उसको क्या करे, इजीली मेजर कर ले, ठीक है। तो ये इनपुट को क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, सिग्नल कंडीशनिंग। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे इसमें सिग्नल कंडीशनिंग में, डीसी सिग्नल कंडीशनिंग, क्योंकि ये जो अपन एक्साइटेशन दे रहे हैं यहाँ पे ब्रिज को, वो क्या दे रहा है, डीसी दे रहा है, डीसी सप्लाई दे रहा है, इसका इसलिए इतना नाम क्या है, डीसी सिग्नल कंडीशनिंग, ठीक है। पहला डीसी एक्साइटेशन दे रहे हैं, दूसरा जो एम्पलीफायर यूज किया है वो डीसी एम्पलीफायर यूज किया है, इसलिए इसका नाम है डीसी सिग्नल कंडीशनिंग। ओके, यहाँ तक हो गया। अब जो ट्रांसड्यूसर का आउटपुट है वो अपन क्या करेंगे, ब्रिज में देंगे। जैसे अपन ने पढ़ा था स्ट्रेन गेज, स्ट्रेन गेज में क्या होता है, हमारा जो ब्रिज होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है, उसके क्या करते हैं अपन, एक आर्म पे, किसी भी एक आर्म पे, ये जो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर के थ्रू इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, यहाँ से सप्लाई देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे अपन, आउटपुट लेते हैं हमारा, ठीक है। तो ये क्या हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है हमारा, तो सबसे पहले तो इसको पोटेंशियोमीटर के थ्रू क्या करेंगे, हमारा बैलेंस कर लेंगे, बाय पोटेंशियोमीटर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, इसको बैलेंस कर लेंगे। अभी अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो जो आउटपुट मिलेगा वो अपन को क्या मिलेगा, जीरो वोल्ट मिलेगा, ठीक है। आर वन आर टू, ये अगर हमारे सब क्या है, अपोजिट आर्म जो है वो हमारे क्या है, सेम है, सपोज, ठीक है, आर वन इंटू आर फोर बराबर अगर आर टू आर थ्री है, तो ये बैलेंस कंडीशन में है। बैलेंस कंडीशन में जो आउटपुट मिलता है व्हीट स्टोन ब्रिज का, वो क्या है, जीरो मिलता है, ठीक है। अब सपोज जो अपन यूज कर रहे हैं ट्रांसड्यूसर, वो स्ट्रेन गेज यूज कर रहे हैं, मतलब अपन को स्ट्रेन मेजर करना है, फोर्स लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी डायमेंशन जो है उसमें क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो जो हमारी बॉडी है उसमें कितना डायमेंशन में चेंज आ रहा है, स्ट्रेन गेज, तो स्ट्रेन कितना हो रहा है, फिजिकल डायमेंशन में कितना चेंजेस आ रहा है, वो अपन किसके थ्रू मेजर करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज के थ्रू। ऑलरेडी स्ट्रेन गेज बहुत डिटेल में फोर क्लासेस में अपन पढ़ चुके हैं, तो जिसने नहीं देखा है वो पहले प्रीवियस वीडियो से स्ट्रेन गेज की देख लें, तो आपको समझ में आएगा कैसे व्हीट स्टोन ब्रिज के थ्रू मेजर करते हैं। यहाँ मैं एक सिर्फ डेमो दे रही हूँ, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेन गेज है, इसको अपन, हमने क्या बोला था, एक किसी आर्म पे अपन क्या करेंगे, स्ट्रेन गेज लगा देंगे, ठीक है। एक किसी भी आर्म पे अपन क्या करते हैं, स्ट्रेन गेज अप्लाई कर देते हैं, ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज, इसके किसी भी एक आर्म पे अपन क्या करते हैं, स्ट्रेन गेज अप्लाई कर देते हैं। तो जितना हमारा यहाँ पे स्ट्रेन होगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा हमारा, बाकी तीनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अनबैलेंस कंडीशन आ जाएगी कि नहीं आएगी हमारी, ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है। पहले ये क्या है हमारा, बैलेंस कंडीशन में है अगर, ठीक है, बैलेंस है, तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज जो है वो जीरो होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, स्ट्रेन गेज अप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा, कुछ भी अपन को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, वो जितना वोल्ट होगा वो डिपेंड करेगा कितना स्ट्रेन अपन अप्लाई कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना स्ट्रेन अप्लाई करेंगे उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपन को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो ये मेजर करने के लिए कि आउटपुट वोल्टेज कितना है, अपन ने यहाँ पे क्या है, ब्रिज लगाया, ठीक है, ब्रिज को ये अपन सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई, इसलिए अपन ने यहाँ पे डीसी एक्साइटेशन
चोट लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या है, कैलिब्रेटिंग है जीरोइंग नेटवर्क। इसका काम क्या होता है, जो ये आउटपुट मिला, जो अनबैलेंस कंडीशन का आउटपुट है, उसको मेजर करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कैलिब्रेटिंग एंड जीरोइंग नेटवर्क। ये ब्रेथ लगाया अपन ने, ये ब्रेथ। अब इसका जो ये आउटपुट है, इसको मेजर करना, तो इसके आउटपुट को मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं, कैलिब्रेटिंग एंड जीरोइंग नेटवर्क का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। कैलिब्रेटिंग एंड जीरोइंग नेटवर्क का हमारा यूज क्या है, टू मेजर अनबैलेंस आउटपुट ऑफ अ ब्रिज सर्किट। जो ब्रिज सर्किट है, इसका अनबैलेंस आउटपुट मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं, कैलिब्रेटिंग एंड जीरोइंग नेटवर्क का यूज करते हैं। अब जो अनबैलेंस आउटपुट है, वो अपन ने यहां से मेजर कर लिया है, ठीक है। अब इस अनबैलेंस आउटपुट को अपन क्या करेंगे, डीसी एम्पलीफायर में देंगे। ये क्या करेगा, जो आउटपुट मिला है उसको क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा, ताकि अपन इसको क्या करें, इजिली मेजर कर सके। इस डीसी एम्पलीफायर को अपन क्या करेंगे, एक पावर सप्लाई भी प्रोवाइड कराते हैं, ओके। फिर अपन इसको क्या करेंगे, लो पास फिल्टर में देंगे, ताकि ये क्या करता है, लो पास फिल्टर क्या करता है, जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स, उसको क्या करता है हमारा, ये रिमूव कर देता है। हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिमूव कर देता है, जो हमारी नॉइस होती है सिग्नल में, उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, नॉइस सिग्नल रिमूव, ठीक है। और फिर अपन इसको क्या करते हैं, आउटपुट में क्या करते हैं, इजिली मेजर कर लेते हैं, ओके। तो जो हमारा लो पास फिल्टर होता है, ये क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को रिमूव कर देता है, ठीक है। मतलब जो नॉइज सिग्नल होता है, वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है हमारा सिस्टम में से। कैलिब्रेशन एंड जीरोइंग नेटवर्क आउटपुट देगा। ये जो डीसी एम्पलीफायर होता है, ये क्या करता है हमारा, एम्पलीफाई करता है हमारा सिग्नल को, ठीक है। इसके क्या क्या हमारे एडवांटेजेस होते हैं डीसी एम्पलीफायर को, ये इट इज इजी टू कैलिब्रेट एट लो फ्रिक्वेंसी। ये इसके जो डीसी होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है, अपन को पता है, ठीक है। तो जो एडवांटेजेस है डीसी एम्पलीफायर का, वो क्या हमारा, इट इज इजी टू कैलिब्रेट एट लो फ्रिक्वेंसी। इसको अपन लो फ्रिक्वेंसी पे क्या कर सकते हैं, कैलिब्रेट कर सकते हैं, ओके। ये हमारा इसका एडवांटेजेस है डीसी एम्पलीफायर का। दूसरा एडवांटेजेस क्या हमारा, इट इज एबल टू रिकवर फ्रॉम एन ओवरलोड कंडीशन। इट इज एबल टू रिकवर फ्रॉम एन ओवरलोड कंडीशन। ये दो इसके हमारे एडवांटेजेस हैं डीसी एम्पलीफायर यूज करने के। बट इसका एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज है, वो क्या हमारा, एक डिसएडवांटेज होता है, वो क्या हमारा डीसी एम्पलीफायर का, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट जो है, वो आपने पढ़ा हुआ है, हमारी एक वीडियो है टोटल केबल ड्रिफ्ट पेड की, ड्रिफ्ट क्या होता है। तो जो एरर होता है इन रिप्रोड्यूसिबिलिटी में, उसे अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है, कि अगर अपन एक ही इनपुट दे रहे हैं और बार बार मेजर कर रहे हैं, मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में मेजर कर रहे हैं किसी भी वैल्यू को, एक इनपुट देने पर अलग अलग अगर आउटपुट आ रहा है, तो मतलब क्या है, सिस्टम में ड्रिफ्ट है। अगर एक ही इनपुट दिया है, अलग अलग पर्सन भी मेजर कर रहे हैं, फिर भी सेम आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब ड्रिफ्ट क्या है, जीरो है, नो ड्रिफ्ट है। ड्रिफ्ट तीन टाइप्स के होते हैं, वो अपन ने डिटेल में पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। जिसको देखना है वो जाके हमारा पुरानी वीडियो देखें। तो जो हमारा ये ड्रिफ्ट है, ये ड्रिफ्ट क्या होता है, डीसी एम्पलीफायर यूज करने के कारण क्या होता है, यहाँ पे ड्रिफ्ट आ जाता है सिस्टम में, ठीक है। तो एक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, कि आउटपुट जो होता है, इसके साथ क्या होता है हमारा, एक अनएडवांटेजेस हमारे क्या है, सिग्नल आने लगता है, जो कि अपन को नहीं चाहिए हमारा, ठीक है। क्या होने लगता है हमारा, लो फ्रिक्वेंसी सुप्रीशियस सिग्नल आने लगता है हमारा, लो फ्रिक्वेंसी सुप्रीशियस सिग्नल जो है आने लगता है हमारा, लो फ्रिक्वेंसी सुप्रीशियस सिग्नल जो होता है हमारा, कम आउट एज डाटा इंफॉर्मेशन के तौर पे आने लगता है। तो ये जो ड्रिफ्ट होता है, ये हमारा क्या होता है, हमारा ड्रिफ्ट मतलब क्या है, अच्छा नहीं होना। ड्रिफ्ट क्या है, एक एरर ही है हमारी, ठीक है, क्योंकि रिप्रोड्यूसिबल एरर इन रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज ड्रिफ्ट है। एरर क्या होता है, एरर मतलब त्रुटि, एरर अच्छी चीज नहीं है। और डीसी एम्पलीफायर यूज करने के कारण क्या होता है, इसमें ड्रिफ्ट आने लगता है। तो इस ड्रिफ्ट को क्या करते हैं, अपन रिमूव करना चाहते हैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका एडवांस फॉर्म एसी सिग्नल कंडीशनिंग का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब जो अपन इनपुट में दे रहे हैं, आउटपुट में अपन को
वही नहीं मिलता है, मतलब जो उसका चाहते हैं वो नहीं मिलता है, उसके साथ साथ क्या होता है हमारा अनएडवांटेज सिग्नल भी मिलने लगता है, जो कि क्या करता है क्लियर डाटा इन्फॉर्मेशन अपन को नहीं मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन अपन चाहते हैं, जो डाटा अपन चाहते हैं वो अपन को नहीं मिलता है, उसके साथ साथ अपन को अनडिसएडवांटेज चीजें भी मिलने लगती हैं। तो इस ड्रिफ्ट को रिमूव करने के लिए अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं वो क्या हमारा एसी सिग्नल कंडीशनिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीसी सिग्नल कंडीशनिंग कि कैसे हमारा सिग्नल को क्या कर रहा है, कंडीशनिंग कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है हमारा सिग्नल को। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा क्या एसी सिग्नल कंडीशनिंग। ओके, तो ये नेक्स्ट है हमारा क्या एसी सिग्नल कंडीशनिंग, एसी सिग्नल कंडीशनिंग। तो ये हमारा एसी सिग्नल कंडीशनिंग का ब्लॉक डायग्राम है। ये अपन क्यों यूज करते हैं, जो हमारी ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम आ रही थी हमारी, मतलब जो अपन इनपुट दे रहे थे उसके अकॉर्डिंग अपन को आउटपुट नहीं मिल रहा था हमारा, ठीक है, ड्रिफ्ट आ रहा था हमारा एक सिस्टम में, एरर आ रही थी, तो उसको रिमूव करने के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं अब एसी सिग्नल कंडीशनिंग। तो ये टोटल हमारा ब्लॉक डायग्राम है एसी सिग्नल कंडीशनिंग का, ये इस तरीके से है, यहां से लेके यहां है, और ये फीडबैक में अपन क्या करते हैं एक हमारा सिग्नल दे देते हैं कैरियर ऑसिलेटर के थ्रू, ठीक है। तो सेम है जैसा हमारा उसमें अपन ने देखा था ट्रांसड्यूसर के थ्रू अपन को क्या करेगा एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो अपन ने ब्रिज में दिया है, ठीक है, ये जो ब्रिज होता है इसको अपन को क्या करना है हमारा आउटपुट प्रोवाइड कराना है हमारा, ठीक है। तो ब्रिज जो था हमारा डीसी सिग्नल कंडीशनिंग में यहाँ पे अपन ने डीसी सोर्स दिया था, अब अपन इसको डीसी सोर्स ना प्रोवाइड करा के क्या कराएंगे कैरियर ऑसिलेटर के थ्रू। यहाँ पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई जो अपन यहाँ पे डायरेक्ट डीसी सिग्नल दिया था, तो यहाँ पे ये पावर सप्लाई अपन लगाएंगे। अब ये जो पावर सप्लाई है वो कैरियर ऑसिलेटर में देंगे, और कैरियर ऑसिलेटर के थ्रू क्या करेंगे ब्रिज में अपन क्या करेंगे इनपुट प्रोवाइड कराएंगे। इसके कारण क्या होता है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, हमारी फ्रिक्वेंसी 50 किलोहर्ट्ज से लेके 200 किलोहर्ट्ज तक क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं कैरियर ऑसिलेटर। कैरियर मतलब क्या, ले जाना, ठीक है। तो ये क्या करता है एक फ्रिक्वेंसी को क्या कर देता है ऐड कर देता है। हमारा डीसी सोर्स अपन लगा रहे थे तो उसकी डीसी की तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है जीरो होती है हमारी, ठीक है, तो उसके कारण क्या हो रहा था हमारा एरर आ रहा था। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है एक फ्रिक्वेंसी को ऐड कर दिया, मतलब पहले जो अपन को आउटपुट मिल रहा था उसको अपन कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ से सिग्नल लेके और इसको क्या कर रहे हैं कंपेयर कर ले रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है क्या वो हमारा सही आ रहा है, जो अपन को चाहिए है, नहीं आ रहा है तो अपन क्या करते हैं इसको इसके फीडबैक में दे देते हैं, ताकि ये यहाँ पे क्या करे यहाँ का जो ये आउटपुट है और यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है दोनों को कंपेयर करके फिर ब्रिज में दे, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन को आउटपुट मिलेगा ब्रिज का आउटपुट। तो हमारा जो अपन को चाहिए है उसको अपन क्या कर सकते हैं उस हिसाब से अपन को आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे जो ड्रिफ्ट है वो क्या हो जाएगी हमारी जीरो हो जाएगी, ठीक है, इस कंडीशन में एरर अपन को नहीं मिलेगी। एरर क्या होता है हमारा मेजर्ड वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू होती है उनके बीच का डिफरेंस होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से जो अपन को चाहिए है वो और यहाँ से जो मेजर कर रहा है दोनों का ये डिफरेंस क्या करेगा मेजर करेगा, उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे देंगे। तो जब ये दोनों का डिफरेंस है अपन इसको इस तरीके से सेट करेंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाए हमारा जीरो हो जाए हमारा। तो एरर जीरो होगी, मतलब जो मेजर चाहिए वही अपन को ट्रू मिल रही है, मतलब क्या होगा यहाँ पे अपन को क्या होगा जो आउटपुट मिलेगा वो अच्छा आउटपुट मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे ब्रिज लगा है कैरियर ऑसिलेटर के थ्रू क्या करेंगे इसकी फ्रिक्वेंसी को, जो हमारी बहुत कम थी, जो सिग्नल फ्रिक्वेंसी थी हमारी वो क्या थी हमारी बहुत ही कम होती है, उसको क्या करेगा ये बढ़ा देगा, ठीक है। कितना बढ़ा देगा, लगभग 5 to 10 टाइम्स सिग्नल फ्रिक्वेंसी को क्या कर देता है इंक्रीज कर देता है, ठीक है। पहले अपन ने क्या किया था डीसी सोर्स दे रहे थे तो इसकी तो जीरो थी, केवल सिग्नल की फ्रिक्वेंसी थी, तो वो जो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी थी वो क्या थी बहुत कम थी। तो फ्रिक्वेंसी जब अच्छी होती है तब सिग्नल इजीली ट्रांसफर होता है, ट्रेवल करता है और अपन को जो चाहिए है वो मिलता है। अगर फ्रिक्वेंसी बहुत कम है तो वो ट्रेवल करते करते तक, मतलब यहाँ से अपन सिग्नल भेज रहे हैं, ठीक है, और बहुत दूर सिग्नल भेज रहे हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, तो अपन जहाँ पे चाहते हैं कि वैसा सिग्नल मिले वैसा सिग्नल नहीं मिल पाता है, ठीक है। अपन बोलते हैं ना मोबाइल में सिग्नल कम आ रहे हैं, मतलब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ सिग्नल कम मिल रहा है, मतलब अपन को आउटपुट क्या है अच्छा नहीं मिल रहा है, उसके साथ नॉइस वगैरह मिल रहा है। अगर सिग्नल्स अच्छे होते हैं, मतलब सिग्नल कब अच्छे होंगे जब उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी, हाई फ्रिक्वेंसी होगी तब सिग्नल हमारा इजिली क्या करेगा ट्रांसफर कर पाएगा। तो जब अपन डीसी सिग्नल कंडीशनिंग यूज कर रहे थे तो इसकी तो फ्रिक्वेंसी जीरो थी, मतलब जो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी होगी केवल हमारी वही थी, तो ये ट्रांसफर होते होते तक आउटपुट में जो अपन को सिग्नल मिल रहा था
वो हमारा सही सिग्नल नहीं मिल रहा था क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही लो हो गई थी। ठीक है, लो सुप्रीसियस सिग्नल मिल रहा था डाटा इन्फॉर्मेशन में। जो डाटा इन्फॉर्मेशन थी उसका सिग्नल जो था वो बहुत ही वीक था, सिग्नल वीक था मतलब अपन को अच्छा डाटा प्रोवाइड नहीं हो रहा था। आवाज अपन बोलते हैं कि सही से आवाज नहीं आ रही, सिग्नल नहीं मिल रहा, तो वही यहाँ पर प्रॉब्लम है। और सिग्नल जो है वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो वो जो हमारा प्रॉब्लम थी उसको अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो डीसी के थ्रू तो रिमूव कर नहीं सकते क्योंकि डीसी की फ्रिक्वेंसी जीरो होती है, तो अपन क्या कर सकते हैं, एसी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। तो जो हमारा एसी एम्पलीफायर था इससे अपन ने लेके कैरियर ऑसिलेटर मतलब एक अलग से फ्रिक्वेंसी क्या करी, सिग्नल में ऐड कर दी। तो अलग से फ्रिक्वेंसी अपन ने सिग्नल में ऐड कर दी तो अब सिग्नल की फ्रिक्वेंसी क्या है, बढ़ गई। ये जो सिग्नल था और ये सिग्नल दोनों की फ्रिक्वेंसी ऐड हो जाएगी, तो जो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी थी उसके 5 से 10 गुना सिग्नल की फ्रिक्वेंसी अब बढ़ गई। सिग्नल की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई तो जो सिग्नल है वो हमारा क्या होगा, इजीली ट्रेवल करेगा और आउटपुट में अपन को जो डाटा चाहिए है वो अपन को डाटा मिलेगा। मतलब यहाँ से हम जो बोल रहे हैं वो आपको वहां पे सुनाई देगा अगर सिग्नल्स अच्छे हैं, फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने इसको ऐड कर दिया। अब जो हमारा ब्रिज है यहाँ पे स्ट्रेन गेज ही लगाया है अपन ने सपोज एक ब्रिज पे, तो उसका जो अनबैलेंस आउटपुट है वो कैलिब्रेशन एंड जीरोइंग नेटवर्क हमारा क्या करेगा, मेजर करेगा। फिर उसको अपन एसी एम्पलीफायर में देंगे, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको भी क्या करेंगे और एम्पलीफाई अपन क्या करेंगे कर लेंगे। पावर सप्लाई अपन ने एक यूज किया है वही इसमें दिया है और वही हमारा इसमें दे दिया। ये जो पावर सप्लाई है वो हमारा एसी पावर सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन इसमें दे रहे हैं और वही एसी सिग्नल हमारा इसमें दे रहे हैं। एसी सिग्नल देंगे तभी इसका क्या होगा, फ्रिक्वेंसी आएगी। डीसी देंगे तो फ्रिक्वेंसी जीरो होगी, इसलिए अपन ने सिग्नल जो यूज करेंगे वो एसी यूज कर रहा है, एम्पलीफायर एसी यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है एसी सिग्नल कंडीशनिंग। मतलब एसी के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, सिग्नल को कंडीशनिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे फेस सेंसिटिव डीमोडुलेटर लगा है। ये जो फेस सेंसिटिव डीमोडुलेटर है इसका काम क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसी अपन ने यहाँ पे ऐड की थी उसको ये क्या करेगा, यहाँ से माइनस कर देगा। ठीक है, क्योंकि अपन को एडेड फ्रिक्वेंसी तो चाहिए नहीं है, जो हमारा सिग्नल है जो मेजर करना है उसी की फ्रिक्वेंसी मतलब वही अपन को आउटपुट में चाहिए है। अगर ये सिग्नल क्या होगा, फ्रिक्वेंसी ऐड होके आएगी तो जो सिग्नल चाहिए है वो नहीं मिलेगा, अपन को कुछ और ट्रांसफॉर्म सिग्नल मिलेगा। ठीक है, मतलब सिग्नल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सिग्नल हमारा यहाँ के बाद आया तो अपन ने यहाँ पे क्यों ये ऐड किया, आप बोल रहे सोचोगे कि यहाँ पे मैडम हटा तो दे रही है, फिर यहाँ पे जोड़ने का क्या मतलब है। तो वो इसलिए जोड़ा है ताकि सिग्नल जब ट्रांसफर हो तो वो इजीली ट्रांसफर हो सके। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपन ने यहाँ पे सिग्नल को जोड़ दिया है ताकि यहाँ से यहाँ तक जब सिग्नल आए तो उसकी जो सिग्नल की क्वालिटी है वो हमारी खराब ना हो। उसके बाद जब यहाँ पे आ गया है तो वो जो सिग्नल था वो मॉडिफाइड सिग्नल था, उस सिग्नल से अपन क्या करेंगे, जो ये कैरियर फ्रिक्वेंसी अपन ने ऐड की थी इसको अपन रिमूव कर देंगे। तो अब जो ओरिजिनल सिग्नल है वो अपन को यहाँ पे मिलेगा, उस सिग्नल को फिर लो पास फिल्टर से पास कराएंगे तो जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, नॉइस वगैरह हैं, वो इससे क्या होगी, रिमूव हो जाएगी और जो आउटपुट में मिलेगा अपन को वो प्योर सिग्नल मिलेगा, जो सिग्नल अपन मेजर करना चाह रहे थे वो सिग्नल मिलेगा। तो जो ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम आ रही थी, जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल मिल रहा था अपन को, वो यहाँ पे क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। जो ओरिजिनल सिग्नल था अब वही यहाँ पे क्या होगा, अपन को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एसी सिग्नल कंडीशनिंग। तो ये हमारा होल हो गया सिग्नल कंडीशनिंग क्या है, जो इनपुट स्टेज है ट्रांसड्यूसर स्टेज और जो आउटपुट स्टेज है उसके बीच का जो स्टेज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग बोलते हैं। सिंपल सा सिग्नल कंडीशनिंग क्या है, जो ट्रांसड्यूसर से आउटपुट मिलता है उसको क्या करता है, कंडीशनिंग कर देता है, चेंज कर देता है जो अपन को मेन आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो जब अपन डीसी सिग्नल कंडीशनिंग यूज कर रहे थे तो उसमें ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम आ रही थी। ड्रिफ्ट क्या होता है, हमारा एरर होता है। ठीक है, मतलब जो आउटपुट में अपन को सिग्नल मिल रहा था वो लो सुप्रीशियस डाटा इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, जो डाटा इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल थी, जो एक्चुअल में अपन को चाहिए था वो अपन को नहीं मिल रहा था। तो उसको रिमूव करने के लिए अपन ने एसी सिग्नल कंडीशनिंग यूज किया। स्टार्टिंग में अपन ने एक एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसीज में ऐड कर दी ताकि हमारा डाटा जो है वो इजिली ट्रेवल हो जाए, फिर लास्ट में जाके अपन उसको हटा देते हैं, जो ओरिजिनल सिग्नल है वो अपन को मिल जाता है। ओके, थैंक यू।